ओके गाइस, तो अभी जस्ट गॉट डन विद माय मॉर्निंग रूटीन, मतलब साइकिलिंग ही होता है थोड़ा, एक कुछ किलोमीटर्स का साइकिलिंग करता हूँ और फिर वापस वहाँ से रिटर्न घर पे। तो अभी घर पे जा रहा हूँ, घर पे जाके फ्रेश होकर मिलता हूँ। एक छोटा सा सरप्राइज़ है वो आप लोगों से दिखाने का है और कुछ चीज़ें भी शेयर करने के और कुछ एक अच्छी लोकेशन भी आज अपन लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं अभी घर जाके मस्त फ्रेश व्रेश होकर, फिर मिलता हूँ। बाय। Been like a whirlwind in my mind. So, hey YouTube family friends, welcome back to my channel. नमस्कार मंडळी, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या चॅनल मध्ये। तो जिस सरप्राइज की मैं बात कर रहा था वो है ये। तो इसके अंदर है केक। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। हमारे यहाँ पे एक भैया है जो कि मेरे दोस्त ही है, तो उन्होंने केक बिजनेस चालू किया है, छोटा सा बिजनेस है, होममेड केक्स बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे ये 1K स्पेशल केक भेजा है, तो अभी फटाफट अपन इसको अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर का केक। तो चाकू को करते हैं साइड में और ये कहाँ से खुलता है, यहाँ से। ओके, तो रेडी, 1, 2 and 3। वो 1000 सब्सक्राइबर्स। तो यार, होममेड केक के एक्सपेक्टेशन में ना मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा। मतलब ये लग ही नहीं रहा कि घर पे बनाया हुआ केक है। मन तो कर रहा है अभी इसे काट के खा जाओ, लेकिन अभी माँ और भैया बाहर गए तो वो लोग आएंगे तो मिलके सेलिब्रेट करेंगे। तो तब तक आप लोग इसके थोड़े बीरोज इंजॉय करो, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ कटिंग के टाइम पे। हैप्पी 1K फैमिली टू अस, आपको भी और मेरे को भी। सबसे पहले हाँ, एंड द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, देखते कितना यम्मी है, कैसा टेस्ट करता है। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ओवर बोल रहा हूँ कुछ तो, लेकिन सही में देख सकते हो आप लोग इसके जो लेयर्स है ना वो भी आप लोग देख सकते हो, एकदम जूसी केक है। मतलब मोस्टली जो चॉकलेट केक्स होते हैं ना उसमें कैसा होता है कि एक रॉनेस रहता है, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक सूखापन रहता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें एकदम जूसी वाली फील है। इतना ज़्यादा अच्छा है ना, पूरा खाने का मन कर रहा है। देखो लेयर्स, देखो तो ये हर एक लेयर कितनी सेपरेट है, ये आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। अभी मैं खाता हूँ और फिर आप लोगों को मिलता हूँ मैं बाइक पे। बाय। आज का दिन ना पूरा हेक्टिक ही गया है, मतलब सुबह एक व्लॉग शूट किया वो इसके बाद आएगा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन का था वो, और अभी आज वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब पूरा दिन आज इसी में गया है। देखो यार, बंदा कर रहा है ज़रा हार्ड वर्क, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो, नीचे जाके सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कमेंट वीमेंट सब कर दो। एनीवेज गाइस, केक के बारे में बात करते हैं। तो जहाँ से मैंने केक लिया था, दैट इज़ वीरा केक्स, तो उनका कार्ड जो है वो डिस्प्ले हो रहा होगा, काफ़ी सारे ओकेजन के लिए भी वो लोग केक्स वगैरह बनाते हैं। अगर आप लोग लोनावला से होना तो आप लोग उनको कॉन्टैक्ट करके आपके लिए भी अपनी जो ऑर्डर होगी वो प्लेस कर सकते हो, काफ़ी रीजनेबल रेट्स में आप लोगों को केक मिलेंगे और क्वालिटी तो भाई डिलीशियस है, मतलब आप लोगों ने व्लॉग में पहले देख ही लिया होगा। एनीवेज गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं खंडाला, खंडाला में सनसेट पॉइंट है, वहाँ पे जाके आप लोगों से कुछ बातें करूँगा और आप लोगों को प्लेस भी दिखा दूंगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लेस है। वैसे तो अपन लोग वहाँ पे विजिट कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने खंडाला घाट व्यू पॉइंट वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा, मैं आई बटन में दे दूंगा। तो अभी मैं ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करता हूँ क्योंकि भीड़ तो रहेगी, आज संडे है और उसमें हम लोग निकले, वाह वाह वाह, तो भीड़ रहेगी, तो इससे अच्छा अभी अपन लोग डायरेक्ट मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि अभी ना अभी बज रहे हैं 5 और सनसेट कभी भी हो सकता है, तो मुझे मिस नहीं करना है, तो फटाफट मैं अभी वहाँ पे पहुँच के आप लोगों से बातें करता हूँ डायरेक्ट वाले कैमरा में, फ़ोन वाले कैमरा में। सनसेट पॉइंट पे तो हम लोग पहुँच गए, लेकिन आप लोग भीड़ देखो, पूरा जो आर्क है ना ऐसा पूरा पूरा का पूरा भर चुका है, सब लोग वहाँ पे बैठे हैं, इसलिए मैंने मास्क पहला पहन लिया है भाई साहब। और यहाँ से यार सनसेट बहुत प्यारा दिखता है, देखो यार इधर गए सन, ये देखो, लेकिन वहाँ पे देखो यार कितनी ज़्यादा भीड़ है, देखो रुको ठीक से दिखा दो पूरा, मतलब थोड़ी भी जगह नहीं छोड़े हम लोगों को बैठने के लिए,
यार ये तो ना इन सब पे है ना यार। फाइनली हम लोगों को बैठने के लिए थोड़ी बहुत जगह मिल चुकी है, बैठे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। पता है मेरे को मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही, लेकिन फिर भी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बैठ के सनसेट। आप लोगों को भी दिखेगा टाइम लैप्स। लगता नहीं मुझे आज अपने को क्लियर वाला सनसेट दिखा, क्योंकि अभी ये फेंट होते जा रहा है, क्लाउडी वेदर है ना थोड़ा थोड़ा, तो उसकी वजह से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, वो जो पॉइंट है ना, मतलब अमृतंजन पॉइंट है ना, वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, तो मिलते हैं अभी डायरेक्ट वहाँ पे। ओके, सनसेट तो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन मुझे जो बात करनी है आप लोगों से वो मैं कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली अपने चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए, मतलब अपनी फैमिली जो है वो 1K क्रॉस कर चुकी है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, मतलब जो स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कुछ स्पेशल लोग हैं जिनको मैंने पर्सनली थैंक यू बोला है, लेकिन आप सभी को एक बहुत बड़ा थैंक यू। मतलब कोई लोगों के लिए ना ये जो 1000 का जो मार्क है ना, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा रहेगा, लेकिन मेरे लिए मेरे एफर्ट्स जो मैंने पुट किए उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और भी ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और आप लोगों को अननोन प्लेसेस जो है ना वो ज़्यादातर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा ना वो भी ज़्यादा खास होगा। तो बस मुझे आप लोगों से थैंक यू बोलना था, तो इसलिए सेलिब्रेशन भी आप लोगों से शेयर किया। काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, और यहाँ पे वीडियोस आने से पहले सब इंस्टाग्राम पे आते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हो मेरे को। मैं इधर इंस्टाग्राम का आईडी दे दूंगा, तो फॉलो करो। अभी थोड़ी देर हम लोग चिल करते हैं इधर। रुपेश भी आया है मेरे साथ, ये रहा अपना डेली का पार्टनर, इसको तो मैंने थैंक यू भी नहीं बोला। नॉर्मल यार, पकड़ रहे बाबा पटल खाली, देखो इधर से ऐसा गिर जाएगा, इसलिए उसको बोले पकड़ के रोको। तो ऐसा रिस्क लेना पड़ता है, इधर सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। भेटो मी। वैसे आसपास कोई ज़्यादा है नहीं, देखो मतलब दूर दूर है, इसलिए हम लोगों ने मास्क निकाला है। वैसे गाइज ये लोकेशन जो है, मतलब वहाँ पे है अमृतंजन ब्रिज, और वो मतलब अभी गिरा दिया है, तो अभी जाके हम लोग दिखाते हैं तुम लोगों को। लेकिन अगर आप लोगों को ये सब एक्सप्लोर करना है ना, मतलब सनसेट पॉइंट या फिर ये पॉइंट या फिर घाट व्यू पॉइंट भी है, मंकी पॉइंट भी है जिसको राजमाची पॉइंट भी बोलते हैं, तो वो सब मैंने कवर किया है ऑलरेडी, तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। अभी जाते हैं, थोड़ा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अमृतंजन पॉइंट की क्या दशा हो चुकी है। ओके, तो ये जो पूरा ब्रिज है ना वो वहाँ तक जॉइंट था, लॉकडाउन में इसे गिरा दिया गया, मतलब इसको अमृतंजन ब्रिज बोलते थे। क्या होता था कि यहाँ पे बॉटल नेक हो जाता था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक जमा होती थी, तो उसको क्लियर करने के लिए ये चीज़ की है। लेकिन यार हम लोगों का स्पॉट चला गया, मतलब यहाँ पे बैठ के जो व्यू आता था ना पूरा खोपोली देखने का मज़ा, और ये एस पॉइंट पे चला गया। तो ये ब्रिज की हालत देखो, मतलब कितना भीड़ है, सैटरडे संडे यही कंडीशन होती है यहाँ पे। पूरा मेरा लेफ्ट साइड है पूरा का पूरा कवर्ड है लोगों को। हम लोग थोड़ी देर बैठे, थोड़ा इंजॉय किया, पीसफुल टाइम। थोड़ा आगे से यू टर्न मार के रिटर्न घर। यार क्वालिटी मुझे बताओ ज़रा, एच जे गेम की नाइट क्वालिटी कैसे आ रही है? अगर अच्छी आ रही होगी तो अपन लोग नाइट व्लॉग भी करेंगे। लोनावला की नाइट लाइफ भी कहते हैं मैं आप लोगों को, अगर अच्छा रहा तो। अभी एकदम लेते हैं तो थोड़ा रिस्की है, जाएगा क्या प्रॉब्लम है। और ये चांस का मौके का चौका उड़ाते हुए हम लोग निकल गए। तो गाइस ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया ही होगा, क्योंकि मैंने मेरे इमोशन शेयर किए आप लोगों के साथ, एक ब्यूटीफुल प्लेस भी दिखाई आप लोगों को। तो प्लीज़ यार ये व्लॉग तो एटलीस्ट लाइक डिजर्व करता ही है, तो प्लीज़ इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो गाइस, क्योंकि अपनी फैमिली अपन को और ज़्यादा बढ़ने। और मैं फैमिली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आई मीन इट, मुझे सब्सक्राइबर बोलना थोड़ा अजीब लगता है। तो एनीवेज ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं फैमिली
सीरियसली बोलूँ आप लोगों को, आप लोग मेरी फैमिली जैसे हो, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की वजह से मैं अभी तक यहाँ पे हूँ। अभी 1000 की फैमिली हो चुकी है, आगे जाके और ये फैमिली बढ़ेगी और अपन लोग बहुत अच्छे अच्छे काम भी करेंगे। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, मुझे शूट करने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो अगर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन होती है उसको प्रेस कर देना है ताकि आपको ऐसे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर पे, अभी टाइम हो चुका है 6:30 बज चुके हैं और सनसेट तो यार मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि क्लाउडी था तो उसमें कुछ कैप्चर भी नहीं होता था, इसलिए हम लोग ने कुछ प्लेस जाना बेहतर समझा। तो वैसे मिलता है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्स पे ऐसी सबसे ज़्यादा अपने घर वालों का ख्याल रखिए गाइस, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। तो गाइस साइनिंग ऑफ हेमंत राउत, बाय 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 बाय। भाई एसजे कॅब मध्ये लय क्लिअर दिसतंय, रात्रीचं करायला लागेल व्लॉग। हे बघ ना मला स्क्रीनवर दिसतंय थोडं थोडं, नाईट लाईट तर करायला लागलं रे इशे।